बच्चों, नेक नहीं हो तो बन रहे हैं। क्या थी लेक्चर नंबर 26? M1 plus M2, जो कल तुमने मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पढ़ा, वेरीफाई करो जो तुमने डिजाइन किया टॉय इक्वल टू बिना साइन थीटा, कोई यूनिट लिखी थी क्या इसकी? नहीं लिखी थी। ओके, न्यूटन मीटर लिख सकते हैं या फिर क्या लिख सकते हैं? जूल, क्योंकि ये क्या है, टॉ है, तो यूनिट में लिख सकते हैं। उसके बाद मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के बारे में पढ़ा और वहां पे हमने डिराइव करके रिलेशन निकाला आई इक्वल टू सी अपॉन बीएनए टाइम्स थीटा, जहां पर ये सी अपॉन बीएनए था एक कांस्टेंट कैपिटल के, उसको हमने नाम दिया करेक्टरिस्टिक कांस्टेंट ऑफ गैल्वेनोमीटर। इससे आगे की बात करते हैं। इस पे तीन प्रैक्टिकल भी हमें तैयार करने। ये जो गैल्वेनोमीटर होता है इसकी कॉइल का कुछ रेजिस्टेंस होता है, क्योंकि ये जो वायर होगा, हालांकि है कॉपर वायर, पर कॉपर का रेजिस्टेंस जीरो तो नहीं होता, कुछ फाइनाइट रेजिस्टेंस होता है। तो जो भी नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा, उसकी वजह से उसका कुछ रेजिस्टेंस होगा। तो एक प्रैक्टिकल तो यही है कि उसका रेजिस्टेंस पता करना यूजिंग हाफ डिफ्लेक्शन मेथड। तो लैब में जाकर तुम्हें प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है। इसका जो कंसेप्ट है वो सिंपल सा है, हेडिंग लगाओगे, लाइन खींच, जो भी लाइन तो क्या खींचनी है, तुमने लिखा ही है, हेडिंग लगाया, नई डेट लगाई है, वहां पे लिखोगे प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल के बाद डैश लगा के लिख दो टू फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ गिवन गैल्वेनोमीटर यूजिंग हाफ डिफ्लेक्शन मेथड। तो ये क्या होता है वो समझते हैं हमको। तुमने रेसिप्रोकल थ्योरम पढ़ी थी करंट के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। करंट गेट डिवाइडेड इन वेरियस ब्रांचेस इन इनवर्स रेशियो ऑफ देयर रेजिस्टेंसेस। इस कंसेप्ट को हम यहां पे यूज करके गैल्वेनोमीटर की कॉइल का रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। कैसे सर्किट में समझोगे? सपोज ये गैल्वेनोमीटर, माना कि इसका जो रेजिस्टेंस है की कॉइल का वो है कैपिटल आर सबस्क्रिप्ट जी, ये इसका रेजिस्टेंस है। मैं इसमें करंट फ्लो कराना चाहता हूं, तो करंट फ्लो कराने के लिए एक बैटरी लगाता हूं। करंट फ्लो कराने के लिए मैंने एक बैटरी जोड़ी। जैसे मैं की ऑन करता हूं, मैं देखता हूं कि एकदम निडल जाती फुल स्केल डिफ्लेक्शन पर, बिकॉज ऑफ लार्ज करंट फ्लो, क्योंकि इसकी कॉइल का रेजिस्टेंस काफी कम है। तो उस करंट को हम कंट्रोल करना चाहते हैं कि डिफ्लेक्शन हमारे कंट्रोल में हो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सीरीज में एक बड़ा रेजिस्टेंस बॉक्स लगा देते हैं, 10,000 ओम तक रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, और इसमें कुछ रेजिस्टेंस निकाल के इसके डिफ्लेक्शन को कंट्रोल कर लेते हैं। रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, करंट कम होगी, डिफ्लेक्शन कम हो जाएगा। गैल्वेनोमीटर में जनरली होता ही है कि इसका स्केल अगर तुम देखोगे तो सेंटर पर होता है 0, यहां 30 डिविजन होते हैं, यहां पर भी दोनों साइड जा सकते हैं निडल, और डायरेक्शन पता करने के काम में लेते हैं इसको जनरली, कि करंट किधर किस डायरेक्शन।
तो सपोज मैंने यहाँ पे रेजिस्टेंस कुछ इंट्रोड्यूस किया, ये थ्योरी नहीं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ मैं तुमको, तो 4000 ओम के आसपास मान लो 4000 ओम पर जब मैंने इसमें इंट्रोड्यूस किया, प्रैक्टिकल डेटा है इतना ही लगभग तुम्हें प्रैक्टिकल लैब में जाकर इंट्रोड्यूस करना होगा, तो इसमें जो डिफ्लेक्शन आया वो आ गया 30 डिवीजन। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि डिफ्लेक्शन या तो 30 आ जाए या तो 28 आ जाए या तो 26 या तो 24, इवन नंबर में कुछ आ जाए। तो जैसे 30 यहां हो रहा है तो 30 डिवीजन का डिफ्लेक्शन ये दिखा रहा है, निडल यहां जाके इंडिकेट कर रहे हैं यहां 4000। अब हम क्या करते हैं, इसके साथ एक और सर्किट बनाते हैं। पैरेलल एक छोटा रेजिस्टेंस बॉक्स लगाते हैं, इसको बोलते हैं शंट, जिसे भी पैरेलल में लगाते हैं इसको बोलते हैं शंट, SHUNT, शंट। जैसे कई बार तुम जा रहे होते हो हाईवे पर, कहीं काम चल रहा होता है, तो वो साइड से एक रास्ता निकाल देते हैं जो आगे जाके वापस मिल जाता है, तो उसको क्या बोलेंगे, शंट, पैरेलल पाथ। तो ये भी रेजिस्टेंस बॉक्स ही है वैसे, पर स्मॉल रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, एक की के डैश, ऐसे मैंने सर्किट छोड़ा, एक की के, जब तक के डैश ओपन है तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो सर्किट में आएगा ही नहीं। मैंने इसमें रेजिस्टेंस जीरो रखते हुए के डैश को क्लोज किया, के डैश क्लोज करते क्या होगा, ये शॉर्ट सर्किट हो गया, करंट जो यहां से आ रही है उसको दो रास्ते मिल रहे हैं, रेजिस्टेंस आर जी का रास्ता, जीरो रेजिस्टेंस का रास्ता, तो सारी की सारी करंट किस में से ऊपर जाएगी, ऊपर से, जब इसमें से कोई करंट जाएगी ही नहीं तो क्या नापेगा, जीरो, इसका डिफ्लेक्शन जीरो। तो जैसे मैं के डैश क्लोज करता हूं यहां बिना कोई रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस किए, ये जीरो डिफ्लेक्शन दिखाएगा। अब इसके बाद मैं इसमें कुछ रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस करता हूं, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के रेजिस्टेंस अगर मैं इंट्रोड्यूस करता हूं तो करंट डिवाइड हो जाएगी, दो ब्रांचेस हैं, इनवर्स रेशियो ऑफ रेजिस्टेंसेस, अकॉर्डिंगली डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट का डिफ्लेक्शन ये दिखाएगा। एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस के लिए जिसके लिए इसका डिफ्लेक्शन रह जाता है हाफ, यानी 30 दातों कितना रह जाता है 15, इसलिए इस प्रैक्टिकल का नाम क्या है, हाफ डिफ्लेक्शन मेथड। तो मैं ये प्रेडिक्ट कर सकता हूं, अप्रोक्सीमेट, एक अंदाजा लगा सकता हूं कि अगर ये दोनों ब्रांच का रेजिस्टेंस बराबर हो जाए, जितना गैल्वेनोमीटर का है उतना ही यहां पर हो जाए, तो आधी करंट इसमें जाएगी आधी करंट इसमें से जाएगी, तो डिफ्लेक्शन कितना रह जाएगा आधा। तो मान लो मैंने यहां पर इंट्रोड्यूस किया 70 ओम और डिफ्लेक्शन रह गया आधा, तो मोटे तौर पर मैं ये कह सकता हूं कि गैल्वेनोमीटर कॉइल का रेजिस्टेंस कितना है 70 ओम, पता चल गया। एग्जैक्टली क्यों नहीं कह सकता उसका कारण समझ लो, एग्जैक्ट 70 ओम नहीं कह सकता, लगभग 70 ओम है ऐसा कह सकता हूं। रीजन बिहाइंड, शुरू में जो करंट थी जब के डैश ओपन थी, करंट आई, वो करंट थी मान लो ये बैटरी है वी वोल्ट की, तो वी अपॉन 4070 अप्रोक्सीमेटली सीरीज में मानेंगे उसको, और जब पैरेलल में वो आ गया जब के डैश को क्लोज कर दिया तो करंट ही चेंज हो जाएगी थोड़ी सी, ज्यादा चेंज नहीं होगी थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। अब 70 एंड 70 आर इन पैरेलल, सो इक्विवेलेंट इज 35, सो टोटल इक्विवेलेंट, तो तुम देख रहे हो आई डैश इज स्लाइटली ग्रेटर देन आई, तो इसलिए थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, एग्जैक्टली वो आधे के बराबर
नहीं होगा पर लगभग उतना होगा। तो इस तरीके से हम पता कर लेते हैं। अब एक ऑब्जर्वेशन प्रैक्टिकल में तो एक से ज्यादा ऑब्जर्वेशन चाहिए, अगले ऑब्जर्वेशन के लिए क्या करते हैं, इसको ओपन किया, यहां पर रेजिस्टेंस बढ़ाते हैं, मान लो 4500 कर दिया, इतना कर देते हैं कि डिफ्लेक्शन कम रह जाए इवन नंबर में, 30 से रह गया 28। अब तुम देखोगे यहां पर बिना कोई चेंज किए जैसे तुम के डैश क्लोज करोगे 70 ओम पर, डिफ्लेक्शन एकदम से 28 का आधा 14 रह जाएगा। फिर यहां तुम रेजिस्टेंस बढ़ाओ 26 रह गया, यहां बिना कोई चेंज किए जैसे के डैश क्लोज करोगे फिर आधा रह जाएगा 26 का आधा 13 एंड सो। ये प्रैक्टिकल तुम्हें करना है। तो गैल्वेनोमीटर की कॉइल का रेजिस्टेंस जब इस प्रैक्टिकल से हम पता लगाते हैं तो वो लगभग 50 से 100 ओम के बीच आता है कुछ, ये प्रैक्टिकल डेटा है, 70 ओम ये मिलेगा तुमको, तो 50 से 100 ओम के बीच इतना होता है इसका रेजिस्टेंस। तो एक आइडिया मिल गया हमको कि गैल्वेनोमीटर में जो तार हम लपेट के कॉइल बना रहे हैं उस कॉइल का रेजिस्टेंस कितना है, 50 से 100 ओम के बीच है। ठीक है, अब इससे आगे की बात करते हैं। गैल्वेनोमीटर से मान लो तुम्हें अमीटर बनाना है या वोल्टमीटर बनाना है तो ये कंसिडरेशन काम आने वाला है, कैसे काम आएगा वो समझना है। अगर मैं अमीटर बनाना चाहता हूं, मेरे पास 5 अलग अलग गैल्वेनोमीटर अवेलेबल है, इनमें से किसे चुनूं, किससे अमीटर बनाना सही रहेगा, तो जवाब है जो करंट के लिए सेंसिटिव हो। वोल्टमीटर अगर बनाना चाहता हूं, 5 अलग अलग गैल्वेनोमीटर अवेलेबल है, किससे वोल्टमीटर बनाना उपयुक्त रहेगा, सूटेबल रहेगा, जो वोल्टेज के लिए सबसे ज्यादा सेंसिटिव हो। हम एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने वाले हैं, वॉलेंटियर चाहिए, किस बच्चे को कौन सा काम सौंपा जाए कि प्रोग्राम सक्सेसफुल हो, तो जिसमें जिसका इंटरेस्ट ज्यादा है उसको वो वाला काम दिया जाए तो प्रोग्राम सक्सेसफुल होगा। तो जस्ट लाइक दैट हम डिफाइन करना चाहेंगे किसी गैल्वेनोमीटर के लिए करंट सेंसिटिविटी, जिससे कि जिसकी करंट सेंसिटिविटी ज्यादा होगी उससे बनाएंगे अमीटर, वोल्टेज सेंसिटिविटी जिसकी वोल्टेज सेंसिटिविटी ज्यादा होगी उससे बनाएंगे वोल्टमीटर। सो नेक्स्ट टर्म है करंट सेंसिटिविटी। लाइन खींच दो, प्रैक्टिकल इज ओवर, सर्किट तुमने बनाया अच्छी बात, नहीं बनाया तो भी अच्छी बात है ना, बुरी बात कोई है ही नहीं, सब अच्छी बात, बनाया तो भी ठीक है नहीं बनाया तो भी ठीक है। तो एक लाइन खींच कर वर्तमान में आ जाओ। करंट सेंसिटिविटी कोई स्पेशल सिंपल हमारे पास नहीं है, हम इसको दिखाने वाले सी एस ब्रैकेट में, सी एस कई तरह की डेफिनेशंस तुमने बनाई है अभी तक, डेफिनेशन बनाने के अलग अलग तरीके सीखे, इसी में एक तरीका और जोड़ो। अगर पॉसिबल हो तो हमें डेफिनेशन रिदमिक बनाने चाहिए, रिदम में, जिससे कि याद रखना आसान हो जाए। देखो इट इज द डिफ्लेक्शन शोन फॉर यूनिट करंट फ्लो, इट इज द डिफ्लेक्शन शोन फॉर यूनिट करंट फ्लो। रिदम है इसके अंदर शोन फ्लो, जैसे पोएम में होती है, तो इसको याद रखना आसान है। मैं कंपेयर करना चाहता हूं करंट की सेंसिटिविटी, पांचों गैल्वेनोमीटर में एक एक एम्पियर करंट फ्लो करा देंगे, जो सबसे ज्यादा डिफ्लेक्शन दिखाएगा हम बोलेंगे वो ज्यादा सेंसिटिव है। तो डिफ्लेक्शन शोन फॉर यूनिट करंट फ्लो, दैट इज सी एस इक्वल टू थीटा अपॉन आई, तो इसकी ऐसा यूनिट क्या बनी, रेडियन पर एम्पियर। फिर थीटा अपॉन आई की वैल्यू हमारे पास है, थीटा अपॉन आई के नहीं है, वन अपॉन के है, इट इज
1 upon k or NAB upon C. तुमसे पूछा जाता है करंट सेंसिटिविटी बढ़ानी है क्या करें n बढ़ा दो बढ़ जाएगी a बढ़ा दो बढ़ जाएगी b को इफेक्टिव कर दो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग कर दो बढ़ जाएगी c को कम कर दो c कम करने का मतलब जो स्प्रिंग हम लगा रहे हैं वो ढीली ढाली या कड़क ढीली ढाली लेस स्टिफ तो उसका स्प्रिंग कांस्टेंट कम होगा तो उसका स्प्रिंग कांस्टेंट कम होगा तो करंट सेंसिटिविटी ज्यादा होगी ज्यादा डिफ्लेक्शन दिखाएगा तो जब तुमसे पूछा जाएगा करंट सेंसिटिविटी किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है तो तुम अपने आप फॉर्मूले के बेसिस पर प्रिडिक्ट करके लिख सकते हो नेक्स्ट वोल्टेज सेंसिटिविटी अगले टर्म वोल्टेज सेंसिटिविटी इसके लिए भी कोई स्टैंडर्ड हमारे पास सिंबल नहीं है वीएस से दिखा दो वोल्टेज सेंसिटिविटी अब तुम खुद प्रेडिक्ट कर सकते हो डेफिनेशन क्या होनी चाहिए चाहे रिदमिक ना बने पर डेफिनेशन प्रेडिक्ट कर सकते हो इट इज द डिफ्लेक्शन शोन बाय गैल्वेनोमीटर व्हेन Unit potential difference is applied across its ends. Likh do. It is the deflection shown by a galvanometer, comma, when unit potential difference, P dot D dot, unit potential difference is applied across its ends. That is, Vs equal to Cs upon Cs को रहने दो, Cs को बाद में लिंक करते, theta upon V. तो यूनिट बन गई इसकी रेडियन पर वोल्ट. फिर तुम जानते हो V तो होता है IR current into resistance. गैल्वेनोमीटर का resistance कितना है? गैल्वेनोमीटर में करंट कितनी है करंट आई है रेजिस्टेंस है आर जी अभी तो यही माना है हमने कैपिटल आर सबस्क्रिप्ट जी थीटा अपॉन आई पहले से ही पता है हमको थीटा अपॉन आई को करंट सेंसिटिविटी लिख सकते हैं या फिर वन अपॉन के लिख सकते हैं या फिर एन ए बी अपॉन सी लिख सकते हैं तो ये अलग अलग फॉर्मेट हो गए वोल्टेज सेंसिटिविटी के फॉर्मूले और इसके बेसिस पे तुम ये भी देख सकते हो वोल्टेज सेंसिटिविटी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है यहां पर घुमाकर क्वेश्चन बनाया जाता है ट्विस्ट डाला जाता है तुमसे पूछते हैं क्या ये जरूरी है कि अगर हम करंट सेंसिटिविटी को बढ़ाएं तो वोल्टेज सेंसिटिविटी भी उतने ही अमाउंट से बढ़ जाए क्या ये पॉसिबल है कि करंट सेंसिटिविटी तो बढ़ जाए पर वोल्टेज सेंसिटिविटी कांस्टेंट रहे दोनों का जवाब है हाँ यस लॉजिक इज क्वाइट सिंपल अगर तुम करंट सेंसिटिविटी को बढ़ाना चाहते हो तुम्हारे पास चार फैक्टर है अगर इनमें से तुमने यूज किया बी या सी B को बढ़ाकर बढ़ाया या C को कम करके बढ़ाया दोनों ही सिचुएशन में वोल्टेज सेंसिटिविटी पर सेम इफेक्ट आएगा वोल्टेज सेंसिटिविटी भी उतने ही अमाउंट से बढ़ जाएगी इसको मान लो तुमने 20% बढ़ाया तो वोल्टेज सेंसिटिविटी 20% से बढ़ जाएगी सेम इफेक्ट पर अगर तुमने करंट सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए N या A इनको चेंज किया नंबर ऑफ टर्न्स n बढ़ाए तो n बढ़ाने पर रेजिस्टेंस r वही बढ़ेगा ज्यादा तार इस्तेमाल करोगे ज्यादा टर्न्स अगर तुमने a बढ़ाया बड़ा गहरा
तो फिर से ज्यादा तार, ज्यादा तार मतलब ज्यादा रेजिस्टेंस, तो आर बढ़ेगा उसी रेशियो में, उसी प्रोपोर्शन में, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी में कोई चेंज नहीं होगा। अगर तुम करंट सेंसिटिविटी को बढ़ाने के लिए एन या ए को बढ़ाकर बढ़ाते हो तो वोल्टेज सेंसिटिविटी रिमेन अनचेंज, पर अगर बी को बढ़ाकर या सी को कम करके बढ़ाते हो तो वोल्टेज सेंसिटिविटी में सेम चेंज प्रोड्यूस होगा। तो स्टमा करके स्टेटमेंट लिख दोगे, इफ वी चेंज सीएस, इफ वी चेंज सीएस बाय प्रोड्यूसिंग चेंज इन, बाय प्रोड्यूसिंग चेंज इन वैल्यू ऑफ बी और सी, value of capital B or C, comma, then similar change, then similar change is produced in VS, similar change is produced in VS, but if we change CS, but if we change CS by producing change in N or A, by producing change in N or A, comma, then VS will remain unchanged. VS will remain unchanged. So it is not necessary. So it is not necessary that on changing CS, on changing CS, comma, VS also changes. It is not necessary that on changing CS, comma, VS also changes. तो हमने दो टर्म्स पढ़ी, करंट सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी। एक और टर्म उससे और तुम्हें फैमिली और उन्हें नाम पता होना चाहिए। नेक्स्ट, फिगर ऑफ मेरिट, सिग्निफिकेंट फिगर वाला फिगर, मेरिट लिस्ट वाला मेरिट। फिगर ऑफ मेरिट, सीधे इसका फॉर्मूला लिखेंगे, इक्वल टू के इक्वल टू वन अपॉन सी एस, यानी आई अपॉन थीटा, इसकी यूनिट होगी एम्पियर पर रेडियन। तो रेसिप्रोकल ऑफ करंट सेंसिटिविटी को हम कहते हैं फिगर ऑफ मेरिट, या यूं बोले करैक्टरिस्टिक कांस्टेंट ऑफ गैल्वेनोमीटर सीधे सीधे फिगर ऑफ मेरिट के बराबर होते हैं। यह एक समझने की बात है, कई बार जब तुमसे न्यूमेरिकल में डेटा दिया जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, कई जगह ऐसा होता है कि जो नाम होता है फिजिकल क्वांटिटी का और उसकी जो यूनिट होती है जो उसमें दी हुई होती है डेटा के साथ, वो मिसमैच कर रही होती है। नाम कुछ और इंडिकेट कर रहा होता है और यूनिट कुछ और इंडिकेट कर रही होती है। ऐसी सिचुएशन में तुम्हारे लिए गाइडलाइन है, निर्देश यह है तुम्हारे लिए कि तुम किसे फॉलो करोगे, किसे सही मानकर, यूनिट को सही मानकर। कई बार क्वेश्चन में ऐसा लिखा रहेगा, करंट सेंसिटिविटी ऑफ 20 माइक्रो एम्पियर पर डिविजन, यूनिट से अगर देखा जाए तो माइक्रो एम्पियर पर डिवीजन करंट सेंसिटिविटी की यूनिट नहीं है। भले उसको वो बोल रहे करंट सेंसिटिविटी है, तुम्हें समझना पड़ेगा वो करंट सेंसिटिविटी की बात नहीं कर रहे, वो बात कर रहे हैं फिगर ऑफ मेरिट। तो जब भी कंट्रोवर्सी होगी नाम में और यूनिट में, हम फॉलो करेंगे यूनिट, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल, कन्वर्जन ऑफ ए गैल्वेनोमीटर,
कन्वर्जन ऑफ एक गैल्वेनोमीटर, टैग लगा दो 3 नंबर, किसी गैल्वेनोमीटर को बदलना चाहते हैं, या तो अमीटर में या फिर वोल्ट मीटर में, तो खाली यूं कहना कि अमीटर में बदलना वोल्ट मीटर में बदलना सफिशिएंट नहीं है अपने आप में, हमें रेंज भी स्पेसिफाई करनी होगी, कितनी रेंज। अमीटर खाली अमीटर नहीं होता, अमीटर माइक्रो एम्पियर में नापने वाला भी होता है, मिली एम्पियर में नापने वाला भी होता है, 3 एम्पियर तक नापने वाला भी, 5 एम्पियर तक नापने वाला भी, डिफरेंट डिफरेंट रेंज के अमीटर, और रेंज के हिसाब से अलग अलग कंसिडरेशन हमें लेने होंगे कन्वर्जन के लिए। तो पहले अमीटर में चेंज करना सीखते हैं, फिर वोल्ट मीटर में चेंज करना सीखेंगे। जरूरत पड़ने पर हम किसी अमीटर को डिफरेंट रेंज के अमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं सेम फॉर्मूले से, किसी वोल्ट मीटर को डिफरेंट रेंज के वोल्ट मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी मान लो वो 0 से 3 वोल्ट तक नापने के लिए डिजाइंड है, तो हम उसको 0 से 5 वोल्ट तक नापने के लिए भी डिजाइन कर सकते हैं, और जरूरत पड़ने पर हम किसी अमीटर को वोल्ट मीटर में या वोल्ट मीटर को अमीटर में भी बदल सकते हैं। तो ये सब अदला बदली कैसे होगी वो सीखना है। तो फर्स्ट सिंबॉलिक फॉर्म में G2A, इसका एक प्रैक्टिकल करना है तुमको और एक प्रैक्टिकल करना है G2V का। इस तरह से गैल्वेनोमीटर पे 3 प्रैक्टिकल फिजिक्स लैब में जाके कर। तो तुम्हें पता होना चाहिए अमीटर करंट नापने वाला डिवाइस है, इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस 0 होता है या होना चाहिए। अगर हम चाहते हैं सारे की सारी करंट उसमें से होकर गुजरे, तो इफेक्टिवली उसका रेजिस्टेंस 0 होगा, तभी सारी करंट उसमें से होकर जाएगी, तब वो सही सही नाप पाएगा। अगर तुम में से कोई क्लास में सवाल पूछे और मैं उसे डरा दूं, अच्छा इतना भी नहीं आता तुमको, बैठ जाओ, IIT की तैयारी करने आए हो तुम, तो अगली बार कोई सवाल पूछने की हिम्मत नहीं करेगा। तो ये अच्छा रहेगा या बुरा रहेगा मेरी क्लास के लिए? बुरा रहेगा। तो अमीटर अगर रेजिस्टेंस दिखाएगा तो उसमें से होगा करंट फ्लो नहीं हो पाएगी, तो अमीटर का रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, तब सारी की सारी करंट फ्लो होगी, जब करंट फ्लो होगी तब वो नाप पाएगा। तो लिखोगे आइडियली एन अमीटर शुड हैव, ideally an ammeter should have 0 resistance, अच्छा कुछ बच्चे गलत प्रोनाउंस करते, बोलते हैं अमीमीटर, तो गलत प्रोनाउंसिएशन नहीं करना है हमको, अमीमीटर कुछ भी नहीं होता, यह है अमीटर। फिर जब तुम यूनिट 14 पढ़ोगे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, वहां पे डिवाइस आएगा ट्रांजिस्टर, जिसमें 3 टर्मिनल्स होंगे, बेस कलेक्टर एंड वहां पर जो होगा वो होगा एमीटर। देयर इज डिफरेंस बिटवीन अमीटर एंड एमीटर, एमिट करने वाला जो एमिट कर रहा है वो है एमीटर और ये है अमीटर, ठीक है। ऐसे ही वोल्ट मीटर एंड वोल्टा मीटर बोथ आर डिफरेंट, क्लियरिटी होनी चाहिए। तुम जब तुमने साइंस ले ही लिए तो जहां जहां पर प्रोनाउंसिएशन चेंज होने के साथ मतलब बदल जाता है, कोई दूसरा डिवाइस बन जाता है, बायोलॉजी में भी यही वैलिड है कि स्पेलिंग तब तक वैलिड है चाहे स्पेलिंग मिस्टेक करो, जब तक कि उस नई स्पेलिंग जो तुमने बना दी उससे कोई और मतलब नहीं निकलता, उसे कोई दूसरा वर्ड नहीं बन जाता, दूसरा वर्ड बन गया तो इनवैलिड हो गया। तो तुम्हें ध्यान रखना है आसपास के सभी शब्दों को समझ के चलना है, प्रोनाउंसिएशन सही होने चाहिए। तो अभी हम बात कर रहे हैं अमीटर की,
बाद में करेंगे बात एमिटर की। तो कंप्लीट करेंगे स्टेटमेंट, तुमने लिखा आइडियली एमिटर शुड हैव जीरो रेजिस्टेंस सो दैट इट कैन मेजर द करंट इफेक्टिवली, इट कैन मेजर द करंट इफेक्टिवली so in order to, हम जानते हैं गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस जीरो नहीं है, और जीरो बनाना पॉसिबल भी नहीं है, सुपर कंडक्टर तो इस्तेमाल कर नहीं रहे, पर कम करना पॉसिबल है। 100 ओम के साथ 1 ओम पैरेलल में जोड़ दो, इफेक्टिव रेजिस्टेंस 100 into 1 upon 100 plus 1 100 × 101 less than 1 ohm, 1 ohm से भी कम हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस जहां भी कम करना है तो इफेक्टिव मेथड क्या है, पैरेलल में एक स्मॉल रेजिस्टेंस जोड़ दो। अब सवाल होता है कितना कम करना है, तो उतना कम करना है जितना कि हमें करंट डाइवर्ट करना है। एक पैरेलल पाथ अगर तुम अवेलेबल कराओगे तो कुछ करंट इस गैल्वेनोमीटर में से होकर जाएगा, बाकी करंट वो जो पैरेलल पाथ में तुमने रेजिस्टेंस लगाया जैसे भी लगाया था प्रैक्टिकल में शंट उससे होकर जाएगा। एक सड़क है वो सारा लोड नहीं ले सकती, तो बोले कि हल्के वाहन तो इसमें से जाओ और भारी वाहन साइड में से डाइवर्ट कर देंगे ट्रैफिक। पर ऐसे सिचुएशन में हमें पता रहता है दोनों ब्रांचेस का जो रेजिस्टेंस है, कुछ ट्रैफिक यहां से जा रहा है बचा हुआ ट्रैफिक उधर से जा रहा है, हमें पता रहता है कि अगर इस ब्रांच में से इतनी करंट निकल रही है तो टोटल करंट कितनी होगी, नापना तो उसी को है। घर में मिठाई का डब्बा आया, तुम्हारे हिस्से में 2 लड्डू आए, परिवार में 4 मेंबर हैं, बताओ टोटल कितने लड्डू आए होंगे घर में, सबको बराबर बराबर मिले ना, तो 8 लड्डू आए होंगे। तुम्हारे लड्डुओं को देखकर तुमने अंदाजा लगा दिया कि टोटल कितने लड्डू आए होंगे, समझ गए, यही कंसेप्ट है। हम जानते हैं गैल्वेनोमीटर में से होकर सारी करंट फ्लो नहीं हो सकती, तो जितनी वो नाप सकता है बस उतनी ही नाप सकता है, तो बाकी करंट के लिए पैरेलल पाथ प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो डिफरेंट रेंज का अमीटर बनाने के लिए बाकी करंट हम बाईपास कर देंगे, पर हमारे अमीटर के स्केल को हम कैलिब्रेट करेंगे, रीडिजाइन करेंगे, रीडिंग वो कौन सी पड़ेगा, टोटल करंट को पड़ेगा, जाएगी उसमें से कम, पर उसके बेसिस पर पढ़ किसको लेगा, टोटल को। जैसे तुम्हारे हिस्से में जो लड्डू आया उससे तुमने अंदाजा लगा दिया टोटल लड्डू कितने आए थे, तो ये कंसेप्ट हम यहां पे लगा। तो एक सर्किट बनाएंगे इसके लिए, पहले थोड़ी थ्योरी और लिखेंगे। सो इन ऑर्डर टू ऐसा कुछ लिखा तुमने, अच्छा मैं लिखा इफेक्टिवली इट्स रेजिस्टेंस सो दैट इट कैन मेजर द करंट इफेक्टिवली, फिर आगे और कंटिन्यू कर रहे थे हम। सो इन ऑर्डर टू कन्वर्ट जी सर्कल, इन ऑर्डर टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू ए सर्कल ऑफ रिक्वायर्ड रेंज इनटू अमीटर ऑफ रिक्वायर्ड रेंज कॉमा वी कनेक्ट a small resistance, we connect a small resistance, bracket में लिखोगे called shunt, underline कर दोगे। एक नंबर में अलग से सवाल पूछते हैं तुमसे, what is shunt? जिसे parallel में जोड़ते हैं उसको बोलते हैं shunt, S-H-U-N-T, shunt, called shunt, bracket में बंद कर दो। तुमने लिखा a small resistance, bracket start, called shunt, bracket close, is connected in parallel, is connected in parallel with it as shown, dash लगा के circuit बनाओ। ये galvanometer terminal A और B के बीच
एक पैरेलल पाथ मैंने प्रोवाइड किया, शंट जोड़ दिया एस, तो अब टर्मिनल ए और बी के बीच यही गैल्वेनोमीटर एक अमीटर की तरह काम करेगा जो नाप पाएगा टोटल करंट आई एम्पियर, जीरो से लेकर आई एम्पियर रेंज की करंट नाप पाएगा। हालांकि इसमें खुद में से होकर जो मैक्सिमम करंट गुजर सकती है वो है आईजी, डिफाइन करेंगे अभी। आईजी को बोलते हैं फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट फॉर गैल्वेनोमीटर, यानी आईजी के बराबर करंट गई तो इसकी निडल फुल स्केल डिफ्लेक्शन दिखाएगी। तो बची हुई करंट किधर से जाएगी? आई माइनस आईजी केसीएल लगा के शंट में से जाएगी, तो सर्किट बन गया। देखो गिवन, तुम्हें दिया हुआ है जी रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर कॉइल। पिछली बार हमने इसको आर सबस्क्रिप्ट जी माना था, अब की बार कैपिटल जी माना है, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर कॉइल कितना होता है, किस ऑर्डर का होता है, 50 से 100 आईजी, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट फॉर गैल्वेनोमीटर आई रेंज ऑफ रिक्वायर्ड अमीटर, ऐसा भी लिख सकते हैं रिक्वायर्ड रेंज ऑफ अमीटर। गैल्वेनोमीटर से 0 टू ए एम्पियर नापने वाला अमीटर बनाना है। अननोन क्या है, पता क्या करना है, किस वैल्यू का शंट लगाएं, कितने ओम का शंट लगाएं। तो सिंपल सर्किट एनालिसिस से पता चल जाएगा। इन सर्किट शोन जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा अक्रॉस ए बी, दो पैरेलल ब्रांच तुम्हें नजर आ रही है, एक गैल्वेनोमीटर में होकर दूसरी शंट में होकर। तुमने सीखा पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहता है, जितना ड्रॉप होगा गैल्वेनोमीटर पर, गैल्वेनोमीटर पर ड्रॉप होगा, करंट है आईजी, रेजिस्टेंस है जी, आईजी इनटू जी, एग्जैक्टली इतना ही पोटेंशियल ड्रॉप होगा शंट एस में, शंट एस में करंट है आई माइनस आईजी और रेजिस्टेंस है एस। तो पता चल गया एस, एस इज आईजी अपॉन आई माइनस आईजी इनटू जी। This is the required formula. Simple सा derivation. Date number, दो number में पूछ लेते हैं। तो अगर मैं किसी capital G coil resistance वाले galvanometer को current I नापने के लिए 0 to I ampere तक की current नापने के लिए design करना चाहता हूँ, वो galvanometer IG current flow कराने पर full scale deflection दिखा देता है। मैं करंट नापना चाहता हूं आई, तो मुझे शंट एस लगाना होगा उसके साथ पैरेलल में, तो वो नाप पाएगा मैक्सिमम करंट आई। इसको यूज करना सीखें, इससे पता लगाएंगे क्या अमीटर की रेंज बढ़ाई और घटाई जा सकती है, क्या मिलीमीटर से माइक्रोमीटर बना सकते हैं, क्या माइक्रोमीटर से मिलीमीटर बना सकते हैं या मिलीमीटर से अमीटर बना सकते हैं। तो चेक करते हैं क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ शंट रिक्वायर्ड, फाइंड द वैल्यू ऑफ शंट required to convert the above
अमीटर, यानी हम गैल्वेनोमीटर से एक बार अमीटर बना चुके, ये अमीटर है। To convert the above अमीटर into a new अमीटर, एक नया अमीटर बनाना है, into a new अमीटर of range n times, हम चाहते हैं उसकी रेंज इसकी n गुना हो, new अमीटर of range small n times। अब n की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, तो एक जनरल एक्सप्रेशन निकाल ले। तो इस फॉर्मूले को लगाना सीखो कैसे अप्लाई करते हैं। हमारे पास गिवन डेटा क्या है, हमारे पास है कैपिटल जी प्लस एस या जी एस अपॉन जी प्लस एस। अभी हमारे पास ये है, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, एक बच्चा आसपास देख रहा है जैसे पूछा, मतलब उसका इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट यहां चाहिए। दोनों पैरेलल में तो इक्विवेलेंट कितना हुआ, जी एस अपॉन जी प्लस एस। सपोज इट इज जी डैश, मान सकते। अब मेरे पास ऐसा गैल्वेनोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस है जी डैश। अच्छा, फुल स्केल डिफ्लेक्शन कब दिखा रहा था ये, आईजी कितना है, अब तो आइए या यू बोले आईजी डैश इज आई, जिससे कंफ्यूजन नहीं हो क्योंकि उसमें भी आईजी की टर्म आ रही है। सो आईजी डैश नई फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट कितनी है, आई है। और रेंज मुझे कितनी चाहिए, न्यू रेंज एन आई, फॉर्मूले को लगाते। सो एस डैश यूजिंग, पहले इस फॉर्मूले को मैं प्रॉपर फॉर्मेट में लिखता हूं, एस डैश इक्वल टू आई जी डैश अपॉन आई डैश माइनस आई जी डैश इन टू जी डैश। तो मेरे पास ये वैल्यू आती है, आई जी डैश की जगह मैंने रखा आई, आई डैश की जगह एन आई माइनस आई, जी डैश की जगह जी एस अपॉन जी प्लस एस। सो हाउ मच वी गेट, आई गेट कैंसल। यहां पे हमारे लिए कन्वीनियंट रहता है कि इसको हम इस फॉर्मेट में लिखने की बजाय जी डैश रहने दें, जिससे एक्सप्रेशन छोटा रहे। तो मैं इसको जी डैश लिखता हूं, इसको मैंने जी डैश ही लिखा, और नीचे क्या बचा मेरे पास, n माइनस वन, एक सिंपल सा एक्सप्रेशन आ गया। तो अगर मैं g डैश अपॉन n माइनस वन इतनी वैल्यू का शंट इसके साथ और लगा दूं पैरेलल में, तो अब क्या होगा, ये अमीटर की रेंज कितने गुना हो जाएगी, n टाइम्स। अब तुम अंदाजा लगा सकते हो घटाना पॉसिबल है क्या, मान लो अभी तक ये नाप रहा था 5 एम्पियर, मैं इसको 1 एम्पियर नापने के लिए डिजाइन करना चाहता हूं, तो 5 से 1 एम्पियर यानी n की वैल्यू 1/5, यहां पे मैंने रखा 1/5 माइनस 1, एस डैश आ गया नेगेटिव, नॉट पॉसिबल। कंक्लूसिव स्टेटमेंट दे सकते हैं कि रेंज कम करना पॉसिबल नहीं, बढ़ाना पॉसिबल है। 5 एम्पियर नाप रहा था, 25 एम्पियर नापने वाला बना रहे 5 टाइम्स, एम के वैल्यू 5 पॉसिबल। जो जो बात नहीं समझ में आई हाथों पर करो पूछ लो। सिमिलर ट्रीटमेंट वोल्ट मीटर के लिए करने वाले हैं, बोलो आईजी डैश, ये देखो ना आईजी डैश ये बन चुका है, ये मेरे पास है। अब इसकी फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट कितनी है, इसकी आईजी नहीं है, इसकी है आई, जबकि आईजी डैश में क्या मान रहा हूं, जो मेरे पास इंस्ट्रूमेंट है उसकी फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। तो मेरे पास गैल्वेनोमीटर नहीं है अभी, मेरे पास अमीटर है, उस अमीटर की रेंज चेंज कर रहा हूं, इसलिए आईजी डैश इक्वल टू आई। और कोई डाउट, हाँ बोलो,
हाँ होगा ना, डिवाइड तभी तो हो रहा है। कुछ भी कर लो, तुम्हारे परिवार में नया सदस्य और आ गया, अकोमोडेशन बढ़ गया, तो अब जो तुम्हारे हिस्से में लड्डू आ रहे हैं, हाँ तुम्हें पता है कि टोटल कितने आए होंगे जब तुम्हें इतने मिले, तो इसको तो यही करना है ना कि टोटल कितना आया वो नापना है भाई। ये अब भी उतना ही नाप रहा है, इसमें उतनी करंट फ्लो हो रही है, इसको पहले भी दो लड्डू मिल रहे थे, अब भी दो लड्डू मिल रहे हैं, पर पहले दो लड्डू का मतलब कुछ और था, पहले दो लड्डू का मतलब था आठ लड्डू, अभी दो लड्डू का मतलब दस लड्डू है। चेंज हो गया ना सिचुएशन। वो तो क्या करते हैं, हम स्केल को रीकैलिब्रेट कर देते हैं, स्केल को सफेद पोतो पेंट करके वापस मार्किंग लगा देते। क्लियर? हाँ बोलो। यदि ये रेजिस्टेंस सीरीज में लगा दी तो सर क्या होता? रेजिस्टेंस को थोड़ा जोर से बोलो। जो ये संट है उसको यदि सीरीज में लगा देते तो क्या होता? किसको कहाँ लगा देते? अभी लगाते हैं सीरीज में, अब लगाते हैं, ठीक है? नेक्स्ट जी टू बी सेकेंड जी टू वी गैल्वेनोमीटर से हम बनाएंगे वोल्ट मीटर। लिखोगे आइडियली वोल्ट मीटर शुड हैव डैश रेजिस्टेंस। बताओ डैश कितना? इनफाइनाइट। हाँ इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। Ideally, voltmeter should have infinite resistance so that it can measure, so that it can measure the potential difference P dot D dot effectively. It can measure the potential difference effectively. Thus, in order to convert a G circle into V circle of required range, convert a galvanometer into voltmeter of required range. क्या तुम infinite बना सकते हो resistance? वो तार काट देंगे हो गया इनफाइनाइट, एयर आ गई बीच में, तो क्या ये फिर निडल हिलेगी उसकी? तो तुमने इसका कंस्ट्रक्शन पढ़ा है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का, अगर उसमें करंट फ्लो होगा ही नहीं तो डिफ्लेक्शन आएगा ही नहीं, आई प्रोपोर्शनल थीटा। तो आइडियल वोल्ट मीटर डायरेक्टली तो नहीं बना सकते, यानी रेजिस्टेंस इनफाइनाइट नहीं कर सकते, बस हमारी कोशिश ये रहती है एज मैक्सिमम एज पॉसिबल करें रिक्वायर्ड रेंज के हिसाब से। थोड़ी बहुत करंट तो उसमें फ्लो होगी तभी नीडल डिफ्लेक्ट होगी, नहीं तो नीडल रिफ्लेक्ट नहीं होगी। ये और बात है कि नीडल जितना जा रही है, करंट जितनी वो फ्लो करा रहा है, उसके हिसाब से हम कंपेंसेट कर दें, स्केल पर मार्किंग अलग लगा दें, तो दिखा कमरा होगा और जो एक्चुअल होगा वो ज्यादा होगा, तो हम जो एक्चुअल है वो मार्क कर देंगे स्केल को सफेद पोत के, कंपेयर करके पोटेंशियोमीटर के साथ कैलिब्रेशन कर देंगे उसका, वो पॉसिबल है। तो वोल्ट मीटर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस बढ़ाना चाहते हैं, और रेजिस्टेंस बढ़ाने का तरीका सीरीज में लार्ज रेजिस्टेंस जोड़, किलो ओम के ऑर्डर का रेजिस्टेंस जोड़ दो सीरीज, तो कंप्लीट करोगे। तुमने लिखा रिक्वायर्ड रेंज, वी कनेक्ट ए लार्ज रेजिस्टेंस इन सीरीज विद गिवन गैल्वेनोमीटर। लार्ज रेजिस्टेंस इन सीरीज विद गिवन गैल्वेनोमीटर एज शोन, विद गिवन गैल्वेनोमीटर एज शोन, डैश लगाओगे, एक गैल्वेनोमीटर दिखाओगे सीरीज में
एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करके दिखाओ टर्मिनल ए और टर्मिनल बी के बीच। अब जो ये सर्किट तुम देख रहे हो ये एक वोल्ट मीटर की तरह काम करेगा। सीरीज में जो रेजिस्टेंस जोड़ते हैं उसको एस से कभी नहीं दिखाते। क्वेश्चन में दिया बात और है, हम अपनी तरफ से उसको एस से नहीं दिखाते क्योंकि एस स्टैंडर्ड नोटेशन शंट के लिए है। जिसे पैरेलल में जोड़ते हैं उसको एस से दिखाते हैं, एस फॉर शंट। ये शंट नहीं है क्योंकि ये पैरेलल में नहीं जुड़ा हुआ है। टर्मिनल ए और बी के बीच ये वोल्ट मीटर की तरह काम करेगा। तो जो भी पोटेंशियल डिफरेंस मुझे नापना है 0 टू वी वोल्ट रेंज मैं यहां पे लगा दूंगा। जो करंट फ्लो हो रही है वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, मैक्सिमम आईजी। उसको लिमिट करने का काम कौन करेगा? रेजिस्टेंस वो करेगा। तो समझ लो हाईवे पर पेट्रोलिंग है, पुलिस है, तो जो गलत तत्व हैं, गलत तत्व मतलब जो बदमाश लोग, रॉन्ग एलिमेंट्स, वो वहां से जाएंगे नहीं, वो वापस लौट जाएंगे। तो हाईवे का ट्रैफिक अपने आप कंट्रोल हो गया, डाइवर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी। रेजिस्टेंस वहां पर है करंट को रोकने के लिए। तो सर्किट बन गया है, लिखोगे गिवन, गिवन में कैपिटल जी रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर कॉइल, आईजी फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट फॉर गैल्वेनोमीटर, 0 टू वी रेंज ऑफ रिक्वायर्ड वोल्ट मीटर। अननोन हमें पता करना है आर। बिल्कुल सिमेट्रिकल चलेंगे जैसे पहले किया था वैसे। क्लास में इन्वॉल्वमेंट तुम्हारा जितना ज्यादा रहेगा तुम मेरी बात को उतना आसानी से समझ पाओगे। जैसे जो बीच में एग्जांपल देता हूं मैं वो लिंक करता हूं तो मेरे दिमाग में क्या सोच है तुम उसको समझ पाओगे अगर तुम लिंक्ड रहोगे क्लास में, तो चीजें बड़ी आसानी से समझ में आएंगी। इन सर्किट शॉर्ट हमें आर पता करना है। तुम जानते हो ये जो वी होगा टोटल ड्रॉप ए से लेकर बी तक, कुछ होगा ड्रॉप गैल्वेनोमीटर पर आईजी इंटू जी, बचा हुआ ड्रॉप होगा आर पर आईजी इंटू आर, दोनों का सम होगा वी। इन सर्किट शॉर्ट वी इक्वल टू आईजी इंटू जी प्लस आईजी इंटू आर। हमारा ऑब्जेक्टिव है आर पता करना है हमको, तो पता कर लो आर इक्वल टू वी अपॉन आईजी माइनस जी। ये फॉर्मूला आ गया, इसको यूज कर। ठीक है, कैसा है समझ में आ गया फॉर्मूला? थोड़ा सा डेरिवेशन क्वेश्चन लिखोगे फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड, फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड ब्रैकेट में आर डैश इन ब्रैकेट आर डैश ब्रैकेट क्लोज टू कन्वर्ट द गिवन वोल्ट मीटर। अभी गैल्वेनोमीटर को नहीं बदल रही है, वोल्ट मीटर बन चुका है, इसको बदल रहे हैं। टू कन्वर्ट द गिवन वोल्ट मीटर इंटू ए न्यू वोल्ट मीटर इंटू ए न्यू वोल्ट मीटर ऑफ रेंज, बताओ कितनी?
nv, n times v. तो हमको पता करना है r dash. उसके लिए हमारे पास ये फॉर्मूले को लगाने के लिए जो वैल्यूज चाहिए. अब रेजिस्टेंस कितना है सीरीज में? G प्लस R. अच्छा, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट IG. जब ये रेजिस्टेंस नहीं था तब इसमें फुल स्केल डिफ्लेक्शन या IG प्रोड्यूस करा देता था. अब VIG प्लस R, V अपॉन G प्लस R, G डैश. भाई ये वोल्ट मीटर की रेंज कितनी है? V वोल्ट रेंज का मतलब मान लो 5 वोल्ट. तो 5 वोल्ट पे फुल स्केल डिफ्लेक्शन दिखाएगा. तो जब मैं इसमें 5 वोल्ट लगाऊंगा तो इसमें फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट फ्लो हो रही होगी. वो करंट कितनी होगी? 5 वोल्ट अपॉन इस ब्रांच का रेजिस्टेंस, वो ये है V अपॉन G डैश. और क्या चाहिए? रेंज. तो नई रेंज V डैश इक्वल टू N टाइम्स V, N गुना यूजिंग फॉर्मूला यूज करो, R डैश इक्वल टू V डैश अपॉन IG डैश माइनस G डैश. अब की बार फिर G डैश को G डैश ही लिखूंगा मैं, जिससे कि एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा बड़ा ना देंगे. और R डैश इक्वल टू V डैश की वैल्यू NV, IG की वैल्यू V अपॉन G डैश माइनस G डैश. क्या मिला? V गेट कैंसल, G डैश कॉमन. फिर से तुम जज कर सकते हो, रेंज बढ़ा ही सकते हो या घटा भी सकते हो. मैं यहां से जज कर सकता हूं, ये नेगेटिव नहीं आना चाहिए. इस वैल्यू का रेजिस्टेंस सीरीज में अगर मैंने और लगा दिया तो उसकी रेंज हो जाएगी एन टाइम्स. सो दिस इज ऑल अबाउट जी टू ए जी टू बी कन्वर्जन. इस पे कई तरह के क्वेश्चन बनते हैं, तुम सॉल्व कर सकते हो. कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी बनते हैं, वो मैं स्टार मार्क करके लिखवा रहा हूं तुमको. बताओ मिली अमीटर, माइक्रोमीटर और अमीटर, इन तीनों में किसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा? इसका जवाब एक तो हम फॉर्मूले से दे सकते हैं. कौन सा फॉर्मूला? एस इक्वल टू आई जी अपॉन आई माइनस आई जी इंटू जी. और दूसरा इसका जवाब हम फिजिकली दे सकते हैं. फिजिकली माइक्रोमीटर को करंट नापनी है माइक्रो एम्पियर में, तो कम करंट फ्लो होना चाहिए उसमें से. कम करंट तब फ्लो होगा जब उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा. तो स्टार मार्क करके तुम लिख लोगे रेजिस्टेंस म्यू ए ग्रेटर देन रेजिस्टेंस एम ए ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ए. पहला पॉइंट. दूसरा पॉइंट, माइक्रो वोल्ट मीटर हम कहीं यूज नहीं करते, जरूरत नहीं पड़ती. हम यूज करते हैं मिली वोल्ट मीटर और वोल्ट मीटर. तुम प्रेडिक्ट करो इनके बीच में क्या सिंबल लगाओ, ग्रेटर देन और लेस देन? हाँ, इसमें उल्टा होगा, रिवर्स रिलेशन. फॉर्मूले से भी देख सकते हैं. फॉर्मूले से कैसे देखोगे? अगर ये रेंज है मिली वोल्ट में तो ये आर की वैल्यू कम होगी, ये वोल्ट में तो ये आर की वैल्यू ज्यादा होगी. वोल्ट मीटर को वोल्ट में नापना होता है, उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है. मिली वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कम होता है. तो यहां पे कहानी खत्म. अच्छा, कल जब साइक्लोट्रॉन पढ़ाया था, कल पढ़ाया था परसों पढ़ाया था,
साइक्लो हाँ कल खत्म किया था हमने लिमिटेशन पढ़ी थी साइक्लोटोन की. वन लिमिटेशन में तुमको मैंने ये नहीं बताया कि साइक्लोटोन से अगर हम हल्के पार्टिकल्स को एक्सेलरेट नहीं कर सकते तो किससे कर सकते. जैसे मीटर ब्रिज में हमने पढ़ा था कि मीटर ब्रिज की मदद से वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस मेजर नहीं कर सकते, तो वहां तुमने लिखा था किससे कर सकते, कैरी फॉस्टर ब्रिज से. ऐसे तुम्हें यहां पे सॉल्यूशन पता होना चाहिए. तो जहां वो लिमिटेशन लिखी हुई है वहां पेज के हेडर या फुटर पे जहां भी जगह हो वहां स्टार मार्क करके नॉट इन सिलेबस स्टार विद बॉक्स लिख दोगे. वी कैन यूज सिंक्रोट्रॉन, वी कैन यूज SYNCHRO सिंक्रोट्रॉन. वी कैन यूज सिंक्रोट्रॉन और एडवांस्ड वर्जन उसके बाद में जितनी भी बनी है बीटा ट्रॉन मैग्नेट्रॉन लार्ज हैड्रॉन ये सब और एडवांस्ड वर्जन टू एक्सेलरेट लाइटवेट पार्टिकल्स. वी कैन यूज सिंक्रोट्रॉन और एडवांस्ड वर्जन टू एक्सेलरेट लाइटवेट पार्टिकल्स. हल्के पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करना है या तो सिंक्रोट्रॉन इस्तेमाल में लो या फिर उसका हायर वर्जन बीटा ट्रॉन मैग्नेट्रॉन ये सब एक्सेलरेट कर सकते हैं लाइटवेट. साइक्लोट्रॉन नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते, कारण तुमने सीखा. अब मैं जा रहा हूं नेक्स्ट पार्ट M2. M1 का कुछ हिस्सा ऐसा है जो M2 में बेटर अंडरस्टैंडिंग बनती है उसकी. तो एक आर्टिकल जो मैंने नहीं पढ़ा है M1 से वो एटॉमिक डाइपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, उसको हम पढ़ने वाले हैं M2 में. तो तुम हेडिंग लगा सकते हो इस वाले पार्ट को बोलते हैं मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक मटेरियल्स चैप्टर 5. सो नाउ वी आर स्टडिंग चैप्टर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक मटेरियल्स. तो कोई बच्चा अगर दिमाग के दरवाजे बंद करके बैठा था इसलिए इस डर से कि मैंने पहले का नहीं पढ़ा बीच के लेक्चर मेरे मिस हो गए तो मेरे समझ में तो आएगा नहीं है क्या कर रहे हैं. बट द फैक्ट इज अगर तुम कोशिश करोगे सब समझ में आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है. हमेशा हमें कोशिश करनी चाहिए. तो वो बच्चा अपने दिमाग के दरवाजे भी पूरे खोल ले अभी पूरा समझ में आएगा सब कुछ. तुम्हारा जो एक्सपीरियंस रहा है उस पर बेस्ड है जो कुछ तुम सुनने जा रहे हो. तो हमारा दुर्भाग्य रहा भारत का कि यहां का इतिहास अंग्रेजों ने नष्ट कर दिया जब 200 साल यहां पे राज्य किया. तो अब जो कुछ भी बातें हमें पता चलती हैं वो उन विदेशियों की लिखी हुई किताबों से पता चलती है जिन्होंने भारत की यात्रा की थी, क्योंकि वो संरक्षित है उनके अपने अपने देशों में. जैसे चीनी यात्री हैंसा, ऐसे ही मैकाले, लंदन का मैकाले. तो मैकाले ने भी अपनी किताबों में बहुत सारी बातें लिखी है जो यहां भारत में उस समय होता था. तो अब सारा इतिहास विदेशों की लाइब्रेरियों में रखी हुई किताबों से पता चलता है, जैसे लंदन लाइब्रेरी से कई बातें पता चलती है वगैरह वगैरह. तो हमारे पास इस बात को प्रूव करने के लिए कोई प्रूफ नहीं है कि भारतीयों ने ही मैग्नेट को फर्स्ट टाइम यूज किया था. हमें मानना पड़ रहा है चीन का दावा. चीन दावा कर रहे हैं कि भाई सबसे पहला इस्तेमाल मैग्नेट का कहां हुआ, चीन में हुआ. तो हमें मानना पड़ता है ना, क्योंकि उनके पास प्रूफ, उनका इतिहास संरक्षित. तो हमारी किताबों में भी फिर वही छपा हुआ आता है, एनसीईआरटी में छपा हुआ है कि मैग्नेट का सबसे पहला इस्तेमाल चीन में हुआ. तो चरवाहे और गडरिये भेड़ बकरी चराने जब जाते थे तो कुछ टीलों पर, टीले, उन पर से गुजरते वक्त
उनके जूतों में लगी हुई कीलें चिपकती थी और उनकी जो लकड़ी होती थी लोहे की मोठ वाली, आगे लोहे का टुकड़ा लगा देते लाइफ बढ़ाने के लकड़ी, तो वो चिपकती थी। वहां जब खोद के देखा गया तो काले रंग का एक पत्थर मिला, आयरन का एक और Fe3O4, आयरन का और Fe3O4। तुमसे पूछा जाता है विच आयरन और इज मैग्नेटिक, आयरन और Fe3O4, सो इट इज मैग्नेटिक, काले रंग का पत्थर। इसका पहला इस्तेमाल जो समझ में आया वो ये समझ में आया नेविगेशन के लिए, डायरेक्शन बताने वाले पत्थर के रूप में इसका इस्तेमाल हुआ, तो इसको बोला जाने लगा लीडिंग स्टोन। फिर धीरे धीरे नाम बिगड़ता है, अपभ्रंश होकर ये पड़ गया लोड स्टोन, लीडिंग स्टोन से बिगड़ते बिगड़ते हिंदी बोलते इसको अपभ्रंश, नाम बिगड़ जाना, जैसे झूठा जो होता है, झूठा किया, जैसे ग्लास झूठा करके पिया, कई लोग उसको बोलते हैं औंठा, तो वो अलग अलग भाषा से अपभ्रंश हो जाते हैं। तो ऐसे ही लीडिंग स्टोन से बिगड़ के क्या हो गया लोड स्टोन। तो चीनी लोगों ने इसका पहले इस्तेमाल किया, सबसे पहले एनसीईआरटी में कहानी दी हुई है, चीन का एक राजा था, उसको रातों रात सेना के टुकड़े की मदद के लिए दूसरी और सेना लेकर पहुंचना था कहीं पर जहां लड़ाई चल रही थी, वहां जाने के लिए उसे घना जंगल पार करना था, घना जंगल जहां ऐसे लैंग्वेज बोलते हैं हाथ को हाथ सुझाई ना दे, और इतना दे रहा। तो ऐसे सिचुएशन में उस घने जंगल को पार करने के लिए उसका जो शिल्पी था इंजीनियर आर्किटेक्ट, तो उस राजा का जो शिल्पी था उसने, यानी शिल्पी थी नहीं शिल्पी था, तो उसने उसको एक चैरियट, एक रथ बनाकर दिया, एक घोड़ा गाड़ी बनाकर दी, जिसमें उसने एक पुतला लगाया, और उस पुतले में खास बात यह थी कि उसका हाथ जो है हमेशा उसी डायरेक्शन में इंडिकेट करता था जिस डायरेक्शन में राजा को जाना था, और वो डायरेक्शन थी साउथ, तो पुतला हमेशा साउथ में इंडिकेट करता। हम डिजाइन कर सकते हैं भाई ठीक है हमें पता है नॉर्थ में इंडिकेट करता है, उल्टा लगा तो हाथ साउथ में इंडिकेट करे उसमें क्या है, तो वो साउथ में इंडिकेट करता था। तो उस रथ, उस चैरियट की मदद से राजा रातों रात घने जंगल को पार करके वहां समय पर पहुंच पाया और उसने युद्ध जीत लिया। अब ये इतिहास में दर्ज हो गया, तो बोले चीनी लोगों ने मैग्नेट का इस्तेमाल सबसे पहले किया। ठीक है, हमारा जो रामायण, रामायण और महाभारत का इतिहास है उसको लोग इतिहास नहीं मानते, बोलते मिथक है, उसको फिक्शन मानते हैं बोलते। तो इस वजह से प्रमाण की जरूरत पड़ती है। तो हम ये मानते हैं चीनी लोगों ने मैग्नेट का सबसे पहले इस्तेमाल किया। ये जो मैग्नेट था ये था कच्चा मैग्नेट, रॉ मैग्नेट, नेचुरल मैग्नेट। इसमें कुछ डिसएडवांटेजेस थे, एक तो शेप एंड साइज प्रॉपर नहीं मिलता था, और प्रॉपर शेप एंड साइज के अलावा इसमें जो स्ट्रेंथ थी वो भी कम थी, बहुत वीक मैग्नेट होता है। तो और कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हम इसकी नहीं ढूंढ पाए, आड़ा तिरछा इरेगुलर शेप का मिलेगा तो हमारे किसी काम का नहीं, स्ट्रेंथ बहुत वीक है तो हमारे किसी काम का नहीं। फिर बाद में जैसे हमें पता चला कि इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर रिलेटेड, तो दोनों का रिलेशन पता चलने के बाद हमने सोलेनोइड में अलग अलग शेप की सोलेनोइड बनाकर परमानेंट मैग्नेट बनाए, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाए, जैसे शेप में चाहिए थे वैसे शेप में बनाए, जिस स्ट्रेंथ के चाहिए थे उस स्ट्रेंथ के बनाए। तो आजकल जब तुम देखते हो स्पीकर के पीछे लगा हुआ है मैग्नेट, फ्रिज के दरवाजे में लगा हुआ है मैग्नेट, मैग्नेटोथेरेपी में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मैग्नेट्स हमारे काम आ रहे हैं। तो जैसी हमारी जरूरत थी वैसा बना लेते। तो कई तरह के मैग्नेट है, बार मैग्नेट, रिंग मैग्नेट, डिस्क मैग्नेट। बचपन में एक गेम खेला था, तुमने बड़े मैग्नेट से छोटे मैग्नेट को धकेलते हुए ले जाते थे अलग अलग पॉइंट के गड्ढे से, मैग्नेटिक गेम। एक वो आदमी भी आता था पीले रंग का लाल रंग के, उसमें मतलब प्लास्टिक का एक खिलौना सा जिसमें तलवार की नोक होती थी, क्वेश्चन एंड आंसर गेम। तो ऐसे कई गेम मैग्नेट पर बेस्ड तुमने खेले हैं।
तो अलग अलग शेप के मैग्नेट, बटन मैग्नेट, डार्ट गेम जो आता है उसमें आगे होता है पावरफुल बटन मैग्नेट, जाके चिपक जाता है। यही बटन मैग्नेट होता है स्क्रू ड्राइवर के बिट के पीछे, जिससे वो बिट मैग्नेटिक हो जाती है। वो ऐसे स्क्रू ऐसी जगह है जहां पर चिमटे ले जाना पड़े या तो या लगा नहीं सकते, तो स्क्रू ड्राइवर में मैग्नेटिक बिट यूज करके हम लगाते हैं। तो बहुत सारी एप्लीकेशन है मैग्नेट की। तो मैग्नेट के साथ जो भी तुम्हारा एक्सपीरियंस रहा है उसको कंबाइन करके हम प्रॉपर्टीज के फॉर्म में लिखेंगे। सो हेडिंग, सब हेडिंग, यहां से स्टार्ट होता है इसका सिलेबस, प्रॉपर्टीज ऑफ ए मैग्नेट। तुम चाहो तो बार मैग्नेट के कॉन्टेक्स्ट में देखो इसको, या जनरल किसी मैग्नेट के कॉन्टेक्स्ट में समझ सकते हो। प्रॉपर्टीज ऑफ ए मैग्नेट, फर्स्ट पॉइंट, ए मैग्नेट हैव अट्रैक्टिव, ए मैग्नेट हैव अट्रैक्टिव एंड डायरेक्टिव प्रॉपर्टीज। मैग्नेट हैव अट्रैक्टिव एंड डायरेक्टिव प्रॉपर्टीज। इसका क्या मतलब है? अट्रैक्टिव यानी मैग्नेट अट्रैक्ट करता है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस को, इसको बोलते हैं अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। डायरेक्टिव प्रॉपर्टी, किसी मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड किया तुमने तो वो घूमकर नॉर्थ साउथ में अलाइन हो जाता है, इसको कहते हैं डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। सेकेंड पॉइंट, लाइक पोल्स रिपेल, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। ये सभी जानते हैं, सबने महसूस करके देखा है। थर्ड, तुमने देखा होगा कई बार तुम बैंक में अगर गए हो, ये सीखना पड़ेगा तुमको कितनी तरह की पर्चियां होती है, कौन सी पर्ची से जमा कराते हैं, किससे निकालते हैं, किससे ड्राफ्ट बनवाते हैं वगैरह वगैरह। एक सब्जेक्ट होता था SUPW, उसमें सिखाया जाता था समाजोपयोगी उत्पादक कार्य। तो अब बैंक में जब तुम जाओगे तो ऑल पिन चाहिए, ऑल पिन कहां मिलेगी? ऑल पिन होल्डर में। ऑल पिन होल्डर में क्या है? एक रिंग मैग्नेट लगा हुआ, उस पर चिपकी हुई ऑल पिन। अगर ये ऑल पिन लंबे समय तक उस पर चिपकी हुई रह जाए तो ये खुद भी मैग्नेटाइज हो जाती। तो अगली प्रॉपर्टी, A magnet induces magnetism। Electrostatic induction तुमने पढ़ लिया, अब तुम क्या पढ़ोगे? Magnetic induction पढ़ोगे, फिर अगले चैप्टर में पढ़ोगे electromagnetic induction। A magnet induces magnetism in ferromagnetic substances। A magnet induces magnetism in ferromagnetic substances। और क्या एक्सपीरियंस है तुम्हारा मैग्नेट के साथ? नेक्स्ट पॉइंट, ए मैग्नेट अट्रैक्ट्स मोर एट द पोल्स, पोल पर ज्यादा अट्रैक्ट करता है। ए मैग्नेट अट्रैक्ट्स मोर एट द पोल्स, लेस इन द मिडल। तो अगर किसी मैग्नेट को तुमने गिरा दिया लोहे के बुरादे में तो सबसे ज्यादा बुरादा कहां चिपकेगा? पोल्स पर। क्यों? एक डायग्राम की मदद से तुम समझ सकते हो। अगर ये एक बार मैग्नेट है तो स्मॉलेस्ट मैग्नेटिक एंटिटी जो होती है, सबसे छोटा मैग्नेट, उसको बोलते हैं डोमेन। क्या होता है अभी और आगे क्लियर होगा, अभी इंट्रोड्यूस कराया मैंने नाम डोमेन। तो इसमें एटॉमिक डाइपोल्स अलाइन स्टेट में होते हैं। अगर तुम ये मान लो कि एरो हेड नॉर्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है और एरो टेल साउथ को, तो जो अरेंजमेंट टेस्ट में वो इस तरह का होगा, रेफरेंस साइड में बना सकते हो। डायग्राम प्रेडिक्टेबल है, एक बार तुमने देख लिया तो ऐसा नहीं कि हर एरो बनाने के लिए तुम्हें गर्दन वापस ऊपर फिर कॉपी में एक एक एरो करके मत बनाना देखते हुए, एक बार में देख लो। लॉजिक तुम्हें समझ में आ गया तो बना दो, स्पीडली बना दो।
तो तुमने देखा एक तरफ सारे एरो हेड इकट्ठे हो गए, ये नॉर्थ पोल बन जाएगा। दूसरी तरफ एरो टेल इकट्ठे हो गई, ये साउथ बन जाएगा। पर बीच में क्या स्थिति है? बीच में स्थिति यह है कि एक का नॉर्थ दूसरे का साउथ आपस में ही मस्त हैं, उनका इफेक्ट बाहर नहीं आएगा। तो बीच में मैग्नेट अट्रैक्ट नहीं करेगा, यहां लोहे का बुरादा नहीं चिपकेगा और किनारों पर चिपकेगा। जो तुमने टॉरॉइड पढ़ी, टॉरॉइड में स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन है मैग्नेटिक फील्ड का। क्या स्पेशल है उसमें? नो पोल्स, पोल्स है ही नहीं। टॉरॉइड इज ए मैग्नेटिक कॉन्फ़िगरेशन विदाउट पोल्स। अब इस पे क्वेश्चन आता है, तुमसे कहते हैं देयर आर टू बार्स, आइडेंटिकल पार्ट्स, जो दो छड़े हैं इसमें से एक मैग्नेट है और एक आयरन है। वी डोंट नो विच वन इज मैग्नेट विच वन इज आयरन। विदाउट एनी एड, बिना किसी मदद के पता लगाओ विच वन इज आयरन विच वन इज मैग्नेट। इफ यू हैव एनी आइडिया, तुम्हें टॉफी मिल सकती है, रेज योर हैंड एंड गिव द आंसर। बोलो। धागा ही नहीं है लटकाने के लिए विदाउट एनी एड। बोलो। जो रॉड है सर, आयरन की रॉड को, क्या आयरन किसी एक रॉड को लेंगे, हाँ, उसको दूसरी रॉड के सेंटर पे लगाएंगे, हाँ, फिर उसको फ्रीली मतलब करने की कोशिश करेंगे। जी वो सेंटर से ऊपर वाली रॉड से चिपक जाती तो नीचे वाली मैग्नेट है, यदि नहीं चिपकती तो फिर वो आयरन की रॉड गिर जाएगी। ठीक है, तुम जो कह रहे हो समझ में आता है। बोलो। तोड़ देंगे लोहे की साइज के रॉड, इतना दूध हमने नहीं पिया। We can't break it, इतनी छोटी रॉड को तोड़ सके और कोई साधन है नहीं, हाथ से तोड़ नहीं पाए। मैग्नेट इजिली टूट जाता है। लैब में आना मेरे पास, वो स्टील वाला मैग्नेट दूंगा, उसको तोड़ के बता। ठीक है, तुमने जो तोड़ा है ना वो काला वाला मैग्नेट तोड़ा है। बोलो भाई। हमें नहीं पता कौन सा मैग्नेट। हमारे पास मैग्नेट है ही नहीं विदाउट एनी एड, बस हमारे पास सिर्फ दो रॉड है। नहीं, बार मैग्नेट है ही नहीं ना विदाउट एनी एड, है ही नहीं हमारे पास। हाँ बोलो। ठीक है, वो जो बच्चे ने बताया वो तुम बता रही हो। ठीक है, तुमने बता दिया। ओके, नहीं सेटिस्फैक्टरी है। मैं टॉफी पहुंचा रहा हूं तुम तक। अभी उधर कैमरा लेने आऊंगा तब मैं देख दूंगा। तो जो उस बच्चे ने बताया वो सही है, हालांकि कुछ बच्चे ऐसे भी बोलते हैं, बोले जो अट्रैक्ट हो रहा है वो लोहा है, जो अट्रैक्ट कर रहा है वो मैग्नेट है। बट द फैक्ट इज बोथ आर अट्रैक्टिंग ईच अदर। लोहा मैग्नेट को अट्रैक्ट करता है, मैग्नेट लोहे को अट्रैक्ट करता है। तो इसका जवाब हम इस तरह से बनाते हैं। वी विल टेक वन बार, सपोज दिस इज बार ए, हॉरिजॉन्टली इन वन हैंड एंड मूव वन एंड ऑफ बार बी अलोंग इट्स लेंथ। If we feel uniform attraction through, it means we are moving pole of a magnet on iron, yani A to iron hai aur B magnet hai. If we feel more attraction at the ends, less in the middle, isko matlab A magnet hai aur B iron hai. To aise hum pata laga sakte. Tumne kai baar ye mehsoos kiya hoga, magnet gira, toota, पर नुकसान नहीं हुआ हमें। अब हमारे पास दो मैग्नेट है, तो मैग्नेट के टुकड़े टुकड़े कर डालो फिर भी तुम नॉर्थ और साउथ को सेपरेट नहीं कर सकते। मैग्नेटिक मोनोपोल नेचर में एग्जिस्ट नहीं करते। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इफ ए मैग्नेट इज ब्रोकन, इफ ए मैग्नेट इज ब्रोकन इनटू पीसेस,
If a magnet is broken into pieces, then each piece behaves like an individual magnet. Each piece behaves like an individual magnet with both the poles. With both the poles. Bracket start. We can't separate magnetic poles. We can't separate magnetic poles. Or magnetic monopoles do not exist in nature. Magnetic monopoles do not exist in nature. इसी में डैश लगाओगे ब्रैकेट में चल रहा है सब कुछ डैश गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म गॉसेस लॉ इन मैग्नेटिज्म ब्रैकेट क्लोज तो तुम्हें याद दिलाऊं गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या था नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इमर्जिंग फ्रॉम ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन 0 टाइम्स द टोटल चार्ज कंटेंट बाय दैट सरफेस ये था गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अगर तुम गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म डिफाइन करना चाहो तो गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के केस में अगर क्लोज सरफेस के अंदर डाइपोल बंद होते थे तो जितनी फील्ड लाइंस बाहर जाएंगी उतनी नेट फ्लक्स मैग्नेट में तो मोनोपोल होते ही नहीं है होते ही डाइपोल है तो कहीं पर भी बंद होंगे तो क्या होंगे सारे डाइपोल होंगे डाइपोल होंगे तो सिंपल सा स्टेटमेंट बनता है गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म का नेट मैग्नेटिक फ्लक्स इमर्जिंग फ्रॉम ए क्लोज सरफेस इज ऑलवेज जीरो ठीक है तो ये किस पर बेस्ड है मैग्नेटिक मोनोपोल नेचर में एग्जिस्ट नहीं करते इस पर बेस्ड नेक्स्ट प्रॉपर्टी ए मैग्नेट लूजेस इट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज A magnet loses its magnetic properties on heating, garam karne par, on heating and beating, thokne pitne par, on heating and beating. तो जब तुम छोटे थे, हमारे पास एक magnet था, जिसके साथ तुम खेल रहे थे, दोस्त, भाई, जो भी. उसके साथ एक मैग उसके पास एक मैग्नेट था दोनों में होड़ हुई किसका मैग्नेट ज्यादा पावरफुल तो तय करने का तरीका उस समय तक जो प्रचलित था वो तुम्हारे पास जो था वो लाइन से जिसका मैग्नेट बॉल पिन ज्यादा उठा ले वो ज्यादा पावरफुल तुमने देखा तुम्हारे मैग्नेट ने चार बॉल पिन उठाई उसका मैग्नेट अब टेस्ट कर रहे थे तुम कर रहे थे दूसरी ऑल पिन लटकाते वक्त तुम्हें समझ में आ गया था कि चार से तो ज्यादा ही उठा लेगा ये तो तुमने बात बना दी उस समय बोला कि अभी नहीं ये वाला गेम बाद में खेलेंगे अभी दूसरा गेम अभी रख दो मैग्नेट और जब वो इधर उधर हो गया तुमने उसके मैग्नेट को लिया गैस पे गर्म किया वापस वहां रख दिया खुद के मैग्नेट को फ्रीजर में रखा तो अब जब दोबारा टेस्टिंग होगी तो किसका मैग्नेट वीक निकलेगा उसका गैस पे गर्म करने से ये जो अलाइनमेंट है ये बिगड़ जाता है इसके बिगड़ने से इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कम हो जाती है ठोकने पीटने पर भी ये होता है तो ये हमने किसी मैग्नेट की प्रॉपर्टीज को पढ़ा इतना जानना काफी है फिर नेक्स्ट टर्न पे हम आगे सीखेंगे परसों आज के लिए बहुत है Thank you.